वहीं पे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसी बोले भिजवाई हैं। सुंदर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिल्ली से मंगा रखी है बॉल है, जो क्रिकेट बॉल होती है रेड बॉल, वो हम दिल्ली से मंगाते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है अकॉर्डिंग टू लोकल मार्केट। सस्ता तो पड़ता ही है, उसके अलावा उस बॉल की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। 600 की, 500 की, 800 की, 1000 की, अलग अलग रेट हो जाता है भैया। और बॉल वही है, फैक्ट्री से बन के आई है सीधे, देखो कितनी मस्त है। आज का पहला मैच खेला जाना है डिगरा और रैत के मध्य। हरीश डिगरा की ओर से पहले गेंदबाज होते हैं, ओपनर गेंदबाज। वहीं विजय हैं क्रीज पर, दीपक हैं क्रीज पर। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज है 17 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। सुबह के बज गए हैं 8 और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पाला गिरा हुआ है, ठंड की वजह से पाला गिर जाता है यहाँ पे। दिखाता हूँ आपको नीचे चलते चलते। फिलहाल सुबह जल्दी रोड की ओर जा रहा हूँ, हालांकि धूप तो निकल गई लेकिन मेरा उठने का टाइम अभी हो नहीं रखा था। आराम से उठता हूँ मैं 8-8:30 बजे तक, लेकिन अभी एक कॉल आ गई थी मुझे, तो एक बॉल हमने मंगा रखी है, दिल्ली से मंगा रखी है बॉल है, जो क्रिकेट बॉल होती है रेड बॉल, वो हम दिल्ली से मंगाते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है अकॉर्डिंग टू लोकल मार्केट। सस्ता तो पड़ता ही है, उसके अलावा उस बॉल की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। जब पिछली बार हमने टूर्नामेंट कराए थे तब भी हमने दिल्ली से मंगाए थे, और जब पिछली बार हमको बहुत अच्छे लगे थे वो बॉल, और सबने उनकी तारीफ की थी कि बॉल बहुत अच्छी है, क्रिकेट बॉल जो हम जिससे हम खिलाते हैं। तो इस बार भी हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने भिजवा रखा है, उमेश भाई है हमारे वहाँ पे, एक उमेश भाई ने भिजवा रखा है। तो जो ड्राइवर है उसका कॉल आ गया था कि मैं बिंता आ गया हूँ, आधा घंटे पहले वो कॉल आ गया था कि मैं बिंता आ गया हूँ, आप आ जाओ रोड की तरफ, आधे घंटे में आ जाना। तो इसलिए मैं रोड की तरफ जा रहा हूँ, बॉल ले लूँगा, आपको भी दिखाऊंगा। फिलहाल मौसम दिखा रहा हूँ कैसा हो रहा है। दोस्तों ये सफ़ेद सफ़ेद ओस आपको दिख रही होगी, ये देखिए जो ओस जम गई है, तो इसी को हम कहते हैं पाला। बाकी धूप तो निकल आई है, जहाँ जहाँ धूप नहीं है वहाँ पर पाला जमा हुआ है, जहाँ धूप पहुँच गई वहाँ पाला पिघल जाता है। तो ये है हमारा गांव का रास्ता और नीचे रोड है, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, यहाँ से 100 मीटर और होगा तो रोड में पहुँचता हूँ, और वेट करता हूँ। अगर ड्राइवर कॉल नहीं करता तो मैं कॉल करता हूँ कि कब तक पहुँचने वाले हो, 100 रुपये उनको भी देने पड़ेंगे, तो 100 रुपये बहुत कमी है अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों इस बॉक्स में है 24 बॉल हैं, इसमें रेड बॉल जो होती है टेस्ट क्रिकेट वाली, उसी से हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो इसको भिजवाया है प्रमोद भाई ने, उमेश भाई ने भिजवाया, जो ड्राइवर थे प्रमोद भाई, हमारे गांव के ड्राइवर हैं एक, रोज हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली से गाँव अप डाउन करते हैं। तो उनके जान पहचान वाले ने, जो ड्राइवर है उसने दी ये बॉल मुझे सुबह, और फ्री में दे दी। मैंने कहा कि कुछ किराया विराया बताओ इसका, तो कहते यार अरे जाने दो, अपने प्रमोद भाई ने कहा है कि यार बॉल ले आना, तो उनसे क्या किराया कह रहे थे वो। मैंने कहा ये भी अच्छा है, 100-200 रुपये में हमारे भी बच गए। तो फिलहाल ऊपर को आ गया हूँ, थोड़ी देर में मैच होगा, और आज मुझे लग रहा है कि हमारा ही मैच होगा, तो आज मैं ओपन कर सकता हूँ ओपन। बहुत दिनों बाद हमारा आज मैच होने वाला है, देखते हैं जीतते हैं हारते हैं। इससे पहले एक मैच हम हार चुके हैं, एक ही मैच खेला था, 118 रन बनाए थे हमने 15 ओवर में, बचा नहीं पाए। तो आज 125 रन तो बनाने ही बनेंगे, और बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। फिलहाल घर जाता हूँ, मुँह धोता हूँ, अभी मुँह नहीं धोया है सुबह से, मुँह उठा के आ गया था बिस्तर से, सीधे उठ के नीचे आ गया था रोड तरफ। तो यह है भैया बॉल, अभी खोल के दिखाऊंगा आपको। तो जी अभी पहुंच गए हैं ऊपर चक्की में, जो चक्की में हमारी दुकान है, मतलब गांव की दुकान है सुंदा की, वहीं पे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसी बॉलें भिजवाई हैं। सुंदा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुंदा बॉल हमें वहाँ सस्ती पड़ जाती है यार, 200 की या फिर 210 की, 20 की ऐसी पड़ती है, और यहाँ सोमेश्वर में लूट है, यहाँ पड़ती है 500 की। इस चक्कर में हम मंगा देते हैं वहां से। जोमेटो का टेप लगा रखा है बाहर से, जोमेटो ना है, उन्होंने टेप इसके लग रहा हो, पैकिंग वाले ने लगा रखा है वो।
ये वाला इसको फाड़ दो, ऐसे बोले दिख जाएंगी, देख तो लू क्वालिटी क्या है। पहले भी तो मंगाया था, पहले मंगा तो है। एक टेप और है इसमें, भाई साहब ये देखो भैया, ये है रेड बॉल, इसी से होता है हमारे यहाँ मैच, चमक देख रहे हो उसकी। आहा, मजा आ जाता है इस बॉल को हाथ में लेके। तो इसमें कोई भी स्टिकर आपको दिख नहीं रहा होगा, जो कंपनीज होती है उनका स्टिकर, जैसे डबल एस होता है, डिक्सन होता है, अलग अलग कंपनियां होती हैं, TNT होती है, उनका यहाँ पर स्टिकर लग जाता है ना जब, तो ये यही बॉल जो 200 की या 210 की है, यही बॉल 600 की, 500 की, 800 की, 1000 की, अलग अलग रेट हो जाता है भैया। और बॉल वही है, फैक्ट्री से बन के आई है सीधे, देखो कितनी मस्त है। तो 12 बॉलें मंगाई हैं इस बार, 12 और आएंगी एक दो दिन में। ये है बॉल, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना ज़रूर, और आपको भी मंगवाने हो तो मैं आपको नंबर वंबर दे दूँगा। तो जी अभी बज गए हैं दोपहर के 12, और जो आज का पहला मैच खेला जाना है डिगरा और रैत के मध्य, हरीश डिगरा की ओर से पहले गेंदबाज होते हैं, ओपनर गेंदबाज, वहीं विजय हैं क्रीज पर, दीपक हैं क्रीज पर, रैता की ओर से 15 ओवर का मैच, पारी की पहली गेंद जाने दिया उसे विकेट कीपर के दस्तानों में, इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों 15 ओवर का मैच खेला जा रहा है रैत और डिगरा के मध्य, दोनों का ही ये पहला मैच है। डिगरा एक बार मैच हार गई थी तो उसके बाद उनकी एंट्री है, जबकि रैत की ये पहली एंट्री है, रैत गांव की। फिर से हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर, एक रन हो सकता था लेकिन मना किया बल्लेबाज दीपक ने, फिर से लेग साइड में खेल दिया है सीधे 6 रनों के लिए। तो इस तरह से पारी का ये पहला छक्का, और दीपक के बल्ले से भी निकलने वाला पहला छक्का, हरीश को पड़ने वाला भी पहला छक्का, तो इस 6 रन की बल से पारी का और दीपक का खाता खुला। तो रैत और डिगरा के इस मैच को हम ब्लॉग के जरिए आपको आगे बताएंगे कि क्या इसका नतीजा निकला, क्योंकि पूरा मैच तो मैं दिखा नहीं पाता, क्योंकि इसके बाद मुझे सोमेश्वर घाटी के फेसबुक पेज पर भी लाइव करना होता है। हमने स्पॉन्सरशिप ली थी नमन इलेक्ट्रॉनिक और भाग्य लक्ष्मी TBS शोरूम से। तो इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है, कोई रन वहां पर हुआ नहीं है, फील्डर नरेश वहां पर तैनात, गेंदबाजी कर रहे हरीश, एक छक्का जरूर खा चुके हैं, अब देखना होगा। फिर से अच्छी गेंद उछाल लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर ने स्लिप में सौंपी, स्लिप वाले ने गली में सौंपी, गली वाले ने मिड ऑफ के फील्डर को सौंप दी गेंद, और अब जाके गेंद है हरीश के हाथों में। हरीश फिर से सोमनाथ छोर से नई गेंद लेकर, फिर से काफी ज्यादा लूज गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन मेरी ओर यानी कि लेग साइड में खेला, एक रन आसानी से यहां पर प्राप्त कर लिया, इसी एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, और ओवर की भी समाप्ति हो गई है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रैत का स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के, हरीश का एक ओवर समाप्त। तो नए ओवर को अब मैं सीधे सोमेश्वर घाटी के फेसबुक पेज पर दिखाऊंगा, और इनिंग ब्रेक में आपको बताया जाएगा कि कितने रन रैत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए सीमित 15 ओवरों में बनाए। इसी चक्के के साथ उछलता स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। पारी का है चौथा ओवर प्रगति पर, जोगी लेकर आए हैं दीपक, और उनकी गेंदों का सामना भी कर रहे हैं दीपक, फिर से उठाने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, जिसके चलते मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो दोस्तों पहले रैत ने बल्लेबाजी करते हुए सीमित 15 ओवरों में 120 रन बनाए हैं, और डिगरा के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया है। तो अभी जब मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूं, तो अभी तक डिगरा के 2 विकेट गिर चुके हैं मात्र, 24 रन ऐसे कुछ हो रहे हैं, चौथा ओवर चल रहा है, तो देखते हैं डिगरा आज रन चेज कर पाती अथवा नहीं।
फिर से घुमाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो चौथा ओवर चल रहा है, 22-24 रन हो रहे हैं डिगरा के, एक छक्का लगा चुके हैं दीपक। देखना होगा अब क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। फिर से घुमाना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, इस बीच भी दो बार बीट हो गए हैं, इस बीच हल्की सी मिसफील्डिंग। तो दोस्तों मैं शाम के 8:30 और सोने की हो रही है तैयारी, और पता नहीं आजकल मेरा फोन अचानक से क्यों स्विच ऑफ हो जा रहा है, बैटरी में कोई दिक्कत लग रही है मुझे, कल भी हो गया था आज भी हो गया, तो उस वजह से मैं ब्लॉग दिन में नहीं बना पाया। तो दिन में जो दोपहर में मैं आपको मैच दिखा रहा था उसमें डिगरा ने जीत हासिल कर ली थी, 121 रन बनाने थे उनको, 120 रन बनाए थे रैत ने, तो 121 रन का पीछा कर रही थी, तो आसानी से तो नहीं कहेंगे अच्छा मैच हुआ, मतलब 7 विकेट उनके भी गिर गए थे और एक ओवर, एक डेढ़ ओवर पहले उनने मैच जीत लिया। तो कल अब दूसरा दूसरे मैच होने, कल पहला मैच होगा टेनिस बॉल से, वो तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं सोमेश्वर घाटी में। जो तीसरा मैच होगा कल का, दूसरा या फिर तीसरा, दियारी और लोध का जो कि उनका तीसरा मैच है, तो दो दो मैच दोनों ने जीते हैं, तो उसका मैं ब्लॉग भी बनाने की कोशिश करूंगा और बाकी वो भी बनाने की कोशिश करूंगा, लाइव तो मैं दिखाऊंगा ही। खैर फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और जहाँ रहें मस्त रहें, टाटा जय श्री राम दोस्तों।